बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा नुस्खा जिससे सांस फूलना हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। मोटापा बज़ाते खुद एक बीमारी है और बहुत से मसाइल भी पैदा करता है, जैसे सांस का फूल जाना, पैदल चलने से, भागने से, सीढ़ी चढ़ने से, जिनका वज़न ज़्यादा होता है, या ऐसे लोग जो कि बैठे रहते हैं, या फिर ऐसे लोग जो कि सिगरेट नोशी करते हैं। इनको सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद सांस की तकलीफ़ होती है और सांस फूलने लगता है, क्योंकि ऐसे लोगों के फेफड़े या तो कमज़ोर होते हैं या ठीक से काम नहीं कर रहे होते। इसलिए अगर किसी को इस किस्म की तकलीफ़ का सामना हो तो उसके लिए सबसे बेहतरीन इलाज है कि अगर सिगरेट नोशी कर रहा हो तो तर्क कर दे। मोटापा है तो ख़ुद को सलीम करे। अगर किसी को सांस फूलने की तकलीफ़ होती है तो इसका इलाज किशमिश से बढ़कर कुछ भी नहीं है। किशमिश के जहां दिगर फ़ायदे हैं, वहां ये इंसान के फेफड़ों के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। किशमिश की कोई भी किस्म हो, उसे लेकर एक गिलास पानी में 7-8 दाने डालें और सुबह पी लें, या सुबह डालकर रात को इस्तेमाल करें। इससे फेफड़ों की सफाई होती है और फेफड़े मजबूत होते हैं, ख़ास करके उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है जो सिगरेट नोशी करते हैं। अगर किसी को दमा की बीमारी है तो उसके लिए ये नुस्खा कारामद है।